कर्नाटक में 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्ति की निजी अस्पताल में इलाज के बाद हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना को घोषित किया महामारी। प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर कहा कि देश को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, संक्रमण से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतें लोग। एनपीआर को लेकर राज्यसभा में गृहमंत्री ने कहा कि इससे किसी को डरने की नहीं है जरूरत, किसी भी प्रकार के नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज। प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देने के वास्ते शुरू हुआ कौशल सतरंग कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा चुनौती को अवसर में बदलने को तैयार हैं युवा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री, समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकथाम के लिए बैठक की है। प्रदेश में कोरोना को महामारी घोषित किया गया है और 22 तारीख तक प्रदेश के सारे स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संक्रामक बीमारी है, इससे सुरक्षा और साफ सफाई के माध्यम से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के लिए व्यापक बंदोबस्त किया गया है, इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हम इस बीएचयू में भी इसकी सुविधा को उपलब्ध कराने की तैयारी करें और ये 5 लेबोरेटरी प्रदेश के अंदर तैयार करने के बारे में स्पष्ट किया गया है और भी अन्य मेडिकल कॉलेजेस में हम इस सुविधा को विकसित कर सकें, जहां पर सैंपल लेकर के और फिर उसके कलेक्शन के बाद वायरस की पहचान करने और फिर इससे संबंधित उपचार की सुविधा हम दे सकें, इसके बारे में भी कार्रवाई करने के बारे में विस्तृत कार्य योजना आज यहां पर तैयार हुई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सब के सहयोग से हमने इस फ्लू को पूरी तरह प्रभावहीन करने की दिशा में कदम उठाने के लिए जो अलर्ट 1.5 महीने पूर्व जारी किया था, आज उसके बारे में हमने उसकी व्यापक समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 11 कोरोना फ्लू से संबंधित पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, जिनमें 10 का उपचार दिल्ली में चल रहा है और 1 का केजीएमयू में यहां पर उपचार चल रहा है। इनमें से 7 आगरा के, 2 गाजियाबाद के, 1 नोएडा का और 1 लखनऊ का है। ये जो 11 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, इनके उपचार की व्यवस्था 10 की सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में उपचार की व्यवस्था चल रही है और 1 को केजीएमयू में ही उसके उपचार की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले शासन ने इस बारे में हमेशा हमारा मानना रहा है कि ये एक संक्रामक बीमारी है, तो स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। और जो पुरानी कहावत है कि बचाव से महत्वपूर्ण यानी उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है, तो बचाव पर ध्यान देते हुए अवेयरनेस के कार्यक्रम हमने शासन ने इस बारे में सभी विभागों को कहा है। बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यालयों में कोरोना फ्लू से बचाव करने के लिए हैंडबिल, पोस्टर और वहां पर इससे संबंधित सावधानी और बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में इस अवेयरनेस के कार्यक्रम को अपने हाथों में ले रहा है।
कर्नाटक में 76 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वो कई बीमारियों से ग्रसित थे। इस व्यक्ति ने 29 जनवरी से 29 फरवरी के बीच सऊदी अरब की यात्रा की थी। उच्च रक्तचाप और अस्थमा से पीड़ित ये व्यक्ति हैदराबाद से होते हुए कर्नाटक में कलबुर्गी पहुंचा। 6 मार्च को उसे बुखार और खांसी की शिकायत हुई। इलाज के दौरान उसे COVID-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए गए, लेकिन बगैर सही उपचार और परीक्षणों के नतीजों का इंतजार किए इस व्यक्ति को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। इस अस्पताल से ठीक होने के बाद उन्हें घर लाते वक्त की मौत हो गई। यह एक ऐसा मामला है जिसको काफी ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को कहा गया था कि वो अपना सही इलाज कराए और उसको इलाज मुहैया कराने की कोशिश भी उस वक्त की गई थी, लेकिन इस व्यक्ति के परिवार के लोगों ने उसको एक निजी अस्पताल में ले गए और निजी अस्पताल में उसका इलाज किया गया, जहां कोरोना वायरस से संबंधित इलाज नहीं किया गया। और यही कारण है कि निजी अस्पताल ने कहा कि व्यक्ति ठीक हो गया और उसे घर ले जा रहे थे और उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि नोबल कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि वह सावधानी बरतें। दुनिया के 114 देश इस समय कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर देश और नागरिकों की सुरक्षा की बात की जाए तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने कोरोना के खिलाफ शुरुआत से ही अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि 130 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 74 मामले सामने आए हैं। विश्व भर में महामारी के रूप में फैल चुके COVID-19 को हराने के लिए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह बनाए हुए है। आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा। देशवासी गैर जरूरी यात्राओं को टाल दें। हम भीड़भाड़ वाली जगहों से बचकर इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। सभी मंत्रालयों और राज्यों द्वारा सुरक्षा बरतने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में वीजा निलंबन और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है। घबराहट को ना, सावधानी को हाँ कहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि कोरोना वायरस का फैलना चिंता का विषय है और सरकार जिम्मेदारी पूर्वक इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 6000 भारतीय ईरान में हैं, जिसमें 1100 श्रद्धालु महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के हैं। करीब 300 छात्र वहां पर मौजूद हैं। The House will surely appreciate that few other nations have done what we have with respect to end COVID-19. The global coronavirus situation is being monitored on a continuous basis by a group of secretaries headed by Cabinet Secretary and by a group of ministers headed by the Minister of Health and Family Welfare. Government has made focused efforts for the safe return of stranded Indians, given the scale of end COVID-19 and its pressures on Iran's own resources. विदेश मंत्री ने बताया कि ईरान में 1000 भारतीय मछुआरे फंसे हुए हैं और इनमें से कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान में व्यवस्था गंभीर दबाव में है और इसलिए वहां मेडिकल टीम भेजनी पड़ी और बाद में क्लिनिक स्थापित करना पड़ा। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान से 58 लोगों को लाया गया है और जल्द ही 200 अन्य लोगों को वापस लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कोरोना वायरस की स्थिति पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों की पहचान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, वी नीड योर कोऑपरेशन और हम ये भी चाहते हैं कि आप सबकी मदद से आपके क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी गैदरिंग्स वगैरह हो रही हैं, उनको आप अगर डिस्करेज करेंगे, अपना एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आप देंगे, सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट करने का मूवमेंट क्रिएट करना। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला पुष्ट मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति पिछले हफ्ते ही इटली से नेल्लोर लौटा है। प्रभावित व्यक्ति को नेल्लोर के सरकारी अस्पताल के पृथक वार्ड में भर्ती किया गया था। कोरोना वायरस से बचने के लिए राज्य भी अलर्ट पर हैं। इस बीच दिल्ली में स्कूल कॉलेज सहित सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया है। आज इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कोरोना को। जितने सरकारी दफ्तर हैं, जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, जितने मॉल्स हैं, शॉप्स हैं,
सभी के लिए ये कंपलसरी किया जा रहा है कि डेली आप अपने अपने पब्लिक प्लेस को डिसइंफेक्ट करेंगे। हरियाणा ने कोविड 19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। राज्य में संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 11 हो गई है। अलीगढ़ में जवाहर मेडिकल कॉलेज को कोविड 19 की पड़ताल का केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में एहतियात के तौर पर शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय ने मार्च के महीने में सभी कक्षाओं को निलंबित करने का फैसला किया है। इस बीच म्यांमार से लगी मणिपुर सीमा पर कड़ी निगरानी बरती जा रही है। कोरोना वायरस के कारण आईपीएल प्रेमियों को भी निराशा झेलनी पड़ सकती है। देश में आईपीएल का आयोजन हो या नहीं, इसके लिए 14 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, जब गवर्निंग काउंसिल इस पर बैठक करेगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आईपीएल मैच के बारे में जारी किए गए परामर्श को देखते हुए ही फैसला लिया जाना चाहिए। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर आईपीएल 2020 स्थगित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि 16 मार्च को जब शीर्ष अदालत होली के अवकाश के बाद फिर से बैठेगी, तब वो नियमित पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग कर सकती है। एनपीआर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि देश में किसी को भी एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। मेरी बात तो समझ लो, किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए जरूरी होने पर मतदान 26 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतपत्र के जरिए होने वाले चुनाव के बाद मतगणना चुनाव खत्म होने के करीब एक घंटे बाद 26 मार्च को शाम को ही की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज श्रावस्ती में दूसरा दिन है। आज उन्होंने अकबरपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर स्कूली बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर चर्चा की और बच्चों को फल वितरित किए और मन लगाकर पढ़ने की बात कही। वहीं स्कूली बच्चों के बन रहे मिड डे मील के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह के बच्चों का अन्न प्राशन की रस्म भी अदा की। वहीं कल देर रात तक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान मुद्रा लोन सहित रोजगार पर भी चर्चा की। मुद्रा लोन पर चर्चा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ के बारे में भी जागरूक किया। इसके बाद पढ़े श्रावस्ती बड़े श्रावस्ती के तहत संबंधित विभागीय अधिकारियों को लेकर अध्यापकों को भी अपना दायित्व समझकर जिले के हर बच्चे को शिक्षित करने का संकल्प दिलवाया। इसके बाद राज्यपाल ने लवकुश जन्मस्थली सीता द्वार मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में लोक भवन में प्रदेश के युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल सतरंग कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनमें उद्यमिता विकसित करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन चुनौती को जो अवसर में बदलता है वही जीवन में सफल होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में हुनर मौजूद है। पहले सभी अपने हुनर और प्रतिभा के साथ काम करते थे, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। मुख्यमंत्री ने परंपरागत उत्पादों को बढ़ाए जाने पर बल दिया और कहा कि इसके तहत ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना की शुरुआत की गई। कौशल सतरंग के 7 घटकों को एक साथ मिलाकर के प्रदेश के युवाओं के रोजगार, उनके स्वरोजगार और उनके स्वावलंबन के लिए
आज का ये प्रयास उत्तर प्रदेश की युवा ऊर्जा के लिए समर्पित है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने सभी युवा साथियों को इन सभी योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कराने को लेकर कौशल सतरंग योजना का शुभारंभ किया गया है। जौनपुर में कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में कौशल सतरंग कार्यक्रम के मौके पर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, विधायक रमेश मिश्रा, विधायक दिनेश चौधरी सहित अन्य लोगों ने इस योजना के बारे में युवाओं को रोजगार हब के बारे में विस्तार से बताया। विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन चुनौती को जो अवसर में बदलता है वही जीवन में सफल होता है। आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो आईटीआई के बच्चे रहते थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बच्चे जो ट्रेनिंग का करने का काम करते थे किसी कंपनी में या कहीं कौशल विकास योजना के तहत, तो उनको केंद्र सरकार 1500 रुपये देती थी, बाकी 5000 उस कंपनी वाले देते थे। तो उन बच्चों को लगभग आप समझ लीजिए कि इसके पहले 6500 रुपये मिलता था, लेकिन आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 1000 रुपये ऐसे बच्चों को देने का काम हमारी सरकार ने किया। अब ऐसे बच्चे जहां भी कहीं कंपनी में काम करते हैं या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं या ऐसा प्रशिक्षण किसी भी कंपनी में प्राप्त करते हैं, तो उनको वह कंपनी 5000 देगी, प्लस 1500 हमारी केंद्र सरकार देगी, 1000 हमारी राज्य सरकार देगी। तो कुल मिला जुला के ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण के ही समय में 7500 रुपये मिलने का काम करेगा। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी शुरुआत है और कौशल विकास के तहत लगभग 28 ऐसे कौशल हैं जिसको हम सिखाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में युवाओं को हुनरमंद बनाने, रोजगार से जोड़ने व उद्यमिता की भावना के विकसित करने के लिए कौशल सतरंग योजना, अप्रेंटिसशिप स्कीम व मुख्यमंत्री युवा हब योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। वहीं फतेहपुर जिले के युवाओं को इन योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दे रहा है। लगभग 500 युवा कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फतेहपुर खागा विधायक कृष्णा पासवान ने बताया कि कौशल सतरंग के माध्यम से युवाओं को 7 योजनाओं के तहत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस योजना से पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। अप्रेंटिसशिप करने वाले प्रशिक्षक को नियत प्रशिक्षण भत्ता 7000 में 2500 का सरकारी अनुदान भी शामिल होगा। सरकार भी हमको 1500 रुपये देगी और जो यूपी सरकार है तो वो भी 1000 रुपये देगी। इसका हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। पहले से तो बहुत सारा लाभ मिलेगा। जो है अभी तक अप्रेंटिस की बहुत कम जगह निकलती थी, कंपनियां बहुत कम आती थी। अब जब से ये माननीय योगी आदित्यनाथ के दौरान जो है अप्रेंटिस पे काफ़ी जो है अप्रेंटिस की जगह आ रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। हम लोग आईटीआई करने के बाद अपनी जॉब के लिए ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कोई अप्रेंटिस के लिए कोई कंपनी में जाएंगे तो जॉब हम लोगों को अवश्य कंपनी देगी। उसके कारण मंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। कौशल सतरंग योजना के माध्यम से युवाओं को 7 ऐसी, चाहे कला बोर्ड हो, सेवा योजन हो, कौशल विकास हो, 7 योजनाओं के तहत कार्यक्रम शुरू हुए और चल भी रहे हैं। सेवा योजन विभाग से कई बार बच्चों की यहाँ पे भर्तियाँ हुई और काम भी कर रहे हैं क्षेत्र के लोग बच्चे। और मुझे लगता है कि ये जो कौशल विकास सतरंग योजना चालू हुई है ये बच्चों को बहुत बड़ा आगे भविष्य के लिए, जो लोग कहते थे कि युवा घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बीए एमए किए घूम रहे हैं बच्चे, तो कौशल विकास के माध्यम से हर बच्चे को रोजगार मिलेगा। जो जैसे चाहेगा वैसे रोजगार मिलेगा। देखिए, कौशल सतरंग आज प्रारंभ हुआ है और इसका 31 मार्च तक पूरे प्रदेश के जनपद में संचालित किया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट योजना है अप्रेंटिसशिप। जो भी बच्चे टेक्निकल एजुकेशन कर चुके हैं, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग, वो किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 1 साल का प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ताकि वो स्पेसिफिक फील्ड में अपने हुनरमंद बन जाए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कौशल सतरंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका सजीव प्रसारण जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में देखा गया। कौशल विकास योजना के प्रबंधक के द्वारा एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कौशल विकास के छात्रों को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कौशल सतरंग योजना के शुभारंभ का कार्यक्रम दिखाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि छात्र छात्राएं अपने आप को स्वावलंबी बनाकर प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह ने कौशल विकास योजना और सतरंग योजना के बारे में छात्रों को जानकारी दी। कार्यक्रम का प्रसारण देखने के लिए काफी संख्या में कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षणार्थी आए, जिन्होंने सजीव प्रसारण देखकर सरकार की योजना की सराहना की। हमें पढ़ने भी मिलता है, इंटरेस्ट मिली है, पूरी मतलब जितनी भी फैसिलिटी है सब मिली है। और इस हमें सीखने के बाद, मतलब मैंने ट्वेल्थ किया तो ट्वेल्थ के बाद मैं बैठी थी, तो मेरे भाई ने बोला कि आप जाओ इसे ज्वाइन करो, फ्री कोर्स है। और क्या नाम है, इसके सीखने के बाद हमें बहुत सारी बातें जो हमें पता चली हैं, हमें जिस अकेडमी में सीखने के लिए मिला है, और हमें आगे इसके जॉब भी मिलेगी। और हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। DDU GKY गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, ये मेरे पड़ोसी के माध्यम से मुझे पता चला, जो कि मैंने वहाँ पे जाके पता किया इस एकेडमी में, और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस कोर्स के बारे में सुनने के बाद, फिर मैंने ये ज्वाइन किया। और हमारे एकेडमी में हमारे ट्रेनर जो है वो अच्छी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कराते हैं, और आज हमें विकास भवन में आने का मौका मिला, जो कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लाइव सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जो कि हम जैसे ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कुक्कुट विकास एवं किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वेटरनरी कोर्सेज की सीट बढ़ाने की आवश्यकता है, पशु चिकित्सक अपने को किसी भी दृष्टि में कम न समझें। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मत्स्य पशुधन एवं डेयरी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि देश के विकास किसानों से ही संभव है, और किसान की आय दोगुनी पशुपालन से ही हो सकती है। पशुपालन के लिए पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, सरकार के प्रयास जो किसान की आय दोगुने के, अगर वो हो सकता है तो पशुपालन से ही हो सकता है। जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती, जमीन तो अगर किसी के पास एक एकड़ है तो एक एकड़ रहेगी, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे ही बढ़ सकती है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं कि एकदम से आप प्रोडक्शन बढ़ा दो। अगर किसान की आय दोगुनी करनी तो उसका माध्यम पशुपालन ही है, और अभी नया मंत्रालय केंद्र सरकार में भी मोदी जी ने इस बार जब बनी है सरकार, उसके बाद नया मंत्रालय बनाया, और सरकार का फोकस भी है, चाहे वो डेयरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, पिगरी हो, पोल्ट्री, हर जगह सरकार का फोकस है, सरकार का प्रयास है इसमें। और अब समाचारों से संबंधित एक विशेष जानकारी। 16 मार्च 2020 से DDUP पर देखिए समाचार नए अंदाज और नए समय के साथ प्रातः 8 बजे। फटाफट समाचार दोपहर 12 बजे और दिव्यांगों के लिए विशेष समाचार शाम 4 बजे। बाकी समाचार अपने निर्धारित समय पर ही प्रसारित होंगे। समाचारों में आगे पढ़ते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर, मोबाइल और नेट बैंकिंग की सुविधा का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। साइबर क्राइम की शिकायतें भी पुलिस के पास आ रही हैं, जिसमें आर्थिक अपराध की भी शिकायतें शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन MM बेग द्वारा स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने की मंशा से साइबर क्राइम पाठशाला संचालित की जा रही है। इन पाठशालाओं के माध्यम से जहां बच्चों को भारतीय पुलिस सेवा में करियर के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं कंप्यूटर, मोबाइल, ATM पर इनके प्रयोग को भी समझाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक की साइबर क्राइम टीम द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से इंटरनेट क्राइम के प्रति बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। कोई भी हमारे सोशल साइट से हमारी जानकारी को लेता है और यहाँ वहाँ शेयर करता है, जिससे कि हमारी जानकारी, दूसरी चीज, हमें कभी भी सोशल साइट्स पे किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी पुलिस विभाग के अधिकारी का, किसी भी अधिकारी का कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। ATM से हम लोग पैसे निकालते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा क्राइम हो रहा है। हम लोग पैसे निकालते हैं तो हमारा पासवर्ड देख कर
उसका एटीएम का कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से हम लोग का पैसा निकाला जाता है। एसपी सर आए थे तो उन्होंने हमारे हम लोग को साइबर क्राइम के बारे में बताया कि कैसे क्या होता है, फर्स्टली फाइनेंशियल एंड सोशली। सोशली ऐसा कि हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसको कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं, उसको हम कैसे बच सकते हैं कि उनका मिसयूज़ ना कर पाए और वो अच्छे से करें। और फाइनेंशियल जैसे कि बैंकिंग से हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो हम हमेशा पासवर्ड छुपा के डालना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कोई हमारे पीछे आसपास ना खड़ा हो। एक साइबर क्राइम जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना भी होगा, उसके विषय में एक पाठशाला विभिन्न स्कूलों में मैंने जो करने का यहाँ पे निर्णय लिया और उसी क्रम में आज पहली बार सेंट्रल पब्लिक स्कूल में यहाँ पे बच्चों के बीच में हमारी एक टीम है जो साइबर पाठशाला चलाएगी। ये बताएगी कि क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी रखना है, क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें प्रिकॉशन लेना है, क्या चीज़ है जो नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है, सब डिटेल में बताया जाएगा बच्चों को, ताकि बच्चे अवेयर हों, जागरूक हों और जो ऐसे अपराधी हैं वो इनके शिकंजे में बच्चों को ना ला पाएं, बच्चे हमारे जागरूक रहें। उसी बदायूं में देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश और ओलों से किसानों की फसल चौपट हो गई है। किसान की गेहूं की फसल खेत में गिर गई है और उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया है। सरसों और आलू की फसल भी खराब हो गई है। आलू की खुदाई भी चल रही थी और कुछ खोदना भी बाकी था। किसान सुरेश पाल का कहना है कि बारिश से कई फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं नरेंद्र किसान का कहना है कि आलू की फसल पूरी तरीके से खराब हो गई और पानी में सड़ जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान की फसल का नुकसान का आकलन कर उसका मुआवजा दिया जाएगा। गेहूँ है, सब जमीन गिरी हो, पानी बरसने से वो सब गेहूँ सड़ी है। अच्छा उसके बाद सरसों है, सरसों पर सब खत्म हो चुकी, जो कटी पड़ी है बस जमीन है, ऊपर से बरसात की वजह से वो खड़ी खड़ी है, सब जड़ी ही पकी हुई सरसों वहाँ खत्म हुई है, कंदी ही। अच्छा आलू है, आलू वो खेत में गली हो सब हैं, और मसूल है, मसूल सब खेत में गिर पानी की वजह से सब सड़ी ही, सब लोगों को सब नुकसान है, नुकसान है, ऐसी कोई चीज ना है जिसमें नुकसान है ना। क्या नाम है वो लाटा के लिए सब हानिकारक है, समझ लो पानी भरा ही है सब में, सब गेहूँ गिर गया, लाटा नीचे बड़ी फरी सी गल गई, नीचे कद गया सब लाटा, पानी ऊपर है उसके, लाटा गुरु पानी आ गया, इसे मान लो लाटा सड़ रहा है। गेहूँ है, मसूरी है, सबको नुकसान ही है। और ये पानी से ओले पड़ गए, ये आलू थे इसमें गड्ढा हो गया, आलू आलू में छेदा हो गया, आलू में ये बेगर मतलब आलू हो गया। बलरामपुर में आज सुबह से आए तेज आंधी पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अचानक ओलों की बरसात से लोग जहां बचने के लिए छुपते नजर आए, वहीं खेतों में खड़ी सरसों व गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आम के बागानों में भी तेज हवा व ओलों से काफी नुकसान हुआ है। कई पेड़ जहां गिर गए, वहीं आम के बौर व फूल भी ओलों की बरसात से टूट गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगभग हर हफ्ते हो रही बरसात से जहाँ खेतों में पानी भरा है, जिसके कारण फसलों का नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और भारी ओलावृष्टि के चलते फसल का नुकसान हुआ है। सरसों, चना, मटर, अरहर, गेहूं और सब्जियों की खेती को भारी क्षति पहुंची है। इस आंधी पानी और ओलावृष्टि के चलते खेतों में तैयार फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई, जिसके चलते सभी किसान परेशान हैं। हाथरस में जिला स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडलों को प्रदर्शित किया। जिले के फूलचंद बागला इंटर कॉलेज में लगी विज्ञान प्रदर्शनी में जिले भर के सभी ब्लॉकों से दो दो विद्यालयों के विद्यार्थियों को चुना गया था। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले अच्छे से हाथ धोने चाहिए, ये अपने घर व पड़ोस में बताना है। उधर वाटर रिचार्जिंग का मॉडल देख बच्चों को बताया गया कि पानी सभी के लिए बहुत अनमोल है। प्रदर्शनी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मॉडल बनाने वाली छात्राओं मोनिका व आरती को प्रथम पुरस्कार मिला, तो द्वितीय पुरस्कार रोबोट का मॉडल बनाने वाले छात्र विवेक राजा को दिया गया। निर्णायक मंडल के सदस्य प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि यदि इन बच्चों की प्रतिभा को तराशा जाए तो आगे चलकर ये बच्चे देश के लिए लाभकारी मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। को दोबारा प्रयोग में कैसे लाएं? हम जैसे कि यह हमारा गांव है और ये घर है और ये इज्जत घर है, इस इनका पानी जो नालियों द्वारा इस तालाब में जाता है, तालाब जो
ये पैप है, इस पैप द्वारा रिसीविंग चैम्बर में आता है, पंप से रिसीविंग चैम्बर में आता है, फिर रिसीविंग चैम्बर से पानी इसमें आता है, स्प्रिंग एंड फिर चैम्बर में आता है जिसमें एक जाली लगी होती है, और जो पानी में मोटा मोटा कचरा होता है ऐसे जूते चप्पल टायर और सब्जियों के छिलके ये सब पानी से अलग हो जाते हैं। पानी किस काम में ले सकते हैं? सड़क बनाने में, घर बनाने में, सिंचाई करने में, कपड़े धोने में, इसमें वेस्ट चीजों का सॉफ्टवेयर लगाने हैं इसमें, और ये हाथों को सही करना है जिससे ये हमारी हेल्प कर सके, साफ करने में थोड़ा, और किचन से कुछ लाना है चाय वगैरह ये जो है हमारे जो है प्रांतीय सरकार के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आविष्कार योजना के अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उनकी जो वैज्ञानिक सोच है उसको उजागर करने के लिए जो नई नई प्रतिभाएं, हमारी कई ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो बाल्यपन से ही जो हम लोग उनको पहचान नहीं पाते, तो ये प्राथमिक स्तर से गवर्नमेंट ने ऐसी योजना चालू की है जिसके द्वारा इनकी वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जाना जाए और उन बच्चों को सेलेक्ट करके कहीं ना कहीं उनको अलग से इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे कि उनको रेमेडियल टीचिंग दी जाए जिससे कि उनकी आगे और बढ़ कर के वो हमारे देश का नाम कर सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।